9/11 का जब हमला अमेरिका में हुआ था ना, तो इस यहाँ इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे बेचारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं मासूम जब है, जब हमास रॉकेट मारता है ना, तो उसके रॉकेट में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहता है, कहाँ जाके गिरेगा हमास को भी नहीं पता है। और अगर आयरन डोम इसराइल के पास नहीं रहता ना, तो इसराइल आज के समय में उसकी जनसंख्या आधी कर दिए रहते सब ये हमास वाले। ये जो दांत चेयर रही है ना, ये बहुत खतरनाक है बुढ़िया। इस सचरी सब क्या क्या लंदन में बैठ के करते हैं सर, आप थोड़ा समझिए। हम अखंड भारत थे, म्यांमार से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाते थे। इन लोगों ने जो बहुत होशियार बन रहा है सर, अभी तो इंग्लैंड का नाम ही नहीं आ रहा है, शांति से बैठा ले लंदन ब्रिज पे बैठ के सोच रहा समुंदर के किनारे क्या क्या तांडव मचा के गए सर। पूरी एशिया की बर्बादी इन्हीं सब की देन है। 1876 में अफगानिस्तान अलग कर दिए सब हमसे, 1904 में नेपाल तोड़ दिया सब, 1906 में भूटान तोड़ दिया सब, 1907 में तिब्बत तोड़ दिया सब। शंकर जी का जो कैलाश पर्वत मानसरोवर चल गया, तिब्बत में चाइना कब्जा कर लिया, का शंकर जी उधर थोड़े थे, हमारे अखंड भारत में थे वहाँ पर। 1935 में श्रीलंका तोड़ दिया सब, 35 के नियम के तहत ही 37 में म्यांमार को तोड़ दिया सब, 47 में पाकिस्तान चल गया, 1972 में बांग्लादेश हो गया, हम लोग सिमट के रह गई है। तो जो सेंटीमेंट्स हमारे साथ है वही इनके साथ है। हम हिंदुस्तानी नहीं चाहते हैं कि हमारा अखंड भारत हो जाए, तो वही है। इस ससुरे लोग पर्दा के पीछे देखिए, इन लोग का एक ही उद्देश्य है, दुनिया में अशांति रहो, जब तक मार होगा तब तक दबंग लोग की बहु भलाई होगी। इन लोग का हथियार बिकेगा, आपस में लड़ा झड़ा के एगो कहेगा कि तू अमेरिका के फेवर में चल जाएगा, ब्रिटेन के फेवर में चल जाएगा, दोनों में बंदरबांट हो जाएगा। यहाँ फिलिस्तीन की भी बहुत बड़ी गलती है, देखिए फिलिस्तीन वाले लोग ने अपनी जमीन यहूदियों को बेची थी, तो भैया जब बेचे थे तो अभी का लात नहीं खाओगे वहाँ पे। दूसरा हमास जो है इंटरनेशनल, देखिए इसराइल कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन इसराइल बहुत होशियार है, ऐसा जगह पहुँचेगा कि आप उद्विदा का हमला करेंगे, जहाँ हमला करेंगे हमास तो ऐसा पूछेगा कि पानी नहीं मांगेंगे, देख रहे ना दौड़ा दौड़ा मार रहा है। अल जजीरा का बिल्डिंग उड़ा दिया, वहाँ पे तो एक होटल था उसको उड़ा दिया, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को तहस नहस कर दिया। और ये अच्छे से मारता है, डर पैदा कर करके मारता है। इसका काम क्या है, आपको उकसाएगा, यहाँ पर फिलिस्तीन के लोगों को उकसाएगा, और हमला करने से पहले ना बोल देता है कि हम 2 घंटा बाद हमला करेंगे। अब जरा आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर कह दीजिएगा कि हम इस बिल्डिंग में 2 घंटे बाद हमला करेंगे, बाकी लोग खाली हो जाओ, तो क्या हमास के आतंकवादी बैठेंगे सर, अरे यार तुम लोग जाओ लोग हमको मरने दो, 2 घंटा बाद मिसाइल गिरे, अरे वो भी भाग जाते हैं सब भाग जाते हैं सब। खुद अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि ये मामला लंबा चले, ताकि अरब देश हमसे दहशत में रहे यहाँ पे। लेकिन इन लोग को क्या समझ में आता है, इन लोगों ने जो यूएनओ की बात को इग्नोर किया था, यूएनओ इन लोग को यहाँ पर ज़मीन दिया था 1947 में, इन लोग को ज़मीन दिया था, लेकिन इन लोग को लगा कि ना हमारा पूरा फिलिस्तीन चाहिए, जल ले लो पूरा फिलिस्तीनियों से भगा देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानियत कहाँ गई। भैया इंसानियत अफगानिस्तान में कहाँ गई थी, जहाँ महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति को तोड़कर तालिबान वालों ने खाली कर दिया था, वहाँ इंसानियत नहीं दिखाता। लोग कह रहे हैं कि इसराइल के हमले में मासूम लोगों की भी जान जा रही है। 9/11 का जब हमला अमेरिका में हुआ था ना, तो यहाँ इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे बेचारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं मासूम जब है, जब हमास रॉकेट मारता है ना, तो उसके रॉकेट में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहता है, कहाँ जाके गिरेगा ये हमास को भी नहीं पता है। और अगर आयरन डोम इसराइल के पास नहीं रहता ना, तो इसराइल आज के समय में उसकी जनसंख्या आधी कर दिए रहते सब ये हमास वाले। तो अजीब बात करते हैं, युद्ध में इंसानियत देखेंगे, बहुत इंसानियत देखना है तो बोलिए ना अजरबैजान को कि नागोर्नो काराबाग से वापस आ जाए। अभी हद छोड़िए ना, नागोर्नो काराबाग को जीतने के बाद अभी और ये आर्मेनिया का जगह कब्जा कर लिया है, तो यहाँ तो नहीं बोल सकते क्योंकि अजरबैजान आपके ग्रुप का है। तो आप एक स्टैंड पे रहिए, अगर इंसानियत देखना है तो केवल फिलिस्तीन में नहीं पूरी दुनिया में देखिए, और नहीं देखना है तो फिर आप भी कुछ आइए।